बस इसको चाशनी बनाकर डाल देते हैं। गुलाब जामुन हमारा रेडी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह उठ के बैठी हूँ गाइस। यार मुझे ठंड लग रही है तो मॉर्निंग में थोड़ा देर मैं यहाँ पे बैठती हूँ। थोड़ा सा अपना खुद के लिए टाइम स्पेंड, खुद अकेले भी रहना बहुत मतलब सारे लोगों को पसंद होता होगा, तो मुझे भी खुद कभी कभी अकेले मतलब एक दो घंटा अकेले में ही अपने आप से बातें करना, बिताना, सोचना कुछ कुछ मतलब वो मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ। तो रात में मैं अपना पूरा किचन गया, कुकटॉप, स्लैब, इंडक्शन, ये सिंक उंक्स वगैरह सारा कुछ साफ उफ करके ही मैं सोती हूँ। तो सिंक में ज़्यादा बर्तन नहीं है, बस दो बर्तन है जो हस्बैंड जी मैं काफ़ी लेट खाए थे तो वही यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अभी फटाक से अभी चलते हैं, नाश्ता वास्ता बच्चे लोग को भेजना भी, नाश्ता बनाते हैं और स्कूल भेजते हैं। बच्चे जो है स्कूल अभी जा चुके हैं, मतलब अभी नीचे हैं, जा ही रहे हैं। और मैं यहाँ पे अपने लिए एक फ्राई कर रही हूँ, भूख लगी है। तो बच्चे खा के गए हैं तो उसी में मैं भी खा ले रही हूँ। और अभी मुझे आलू प्याज यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे प्याज, इसमें आलू भी है, प्याज भी है और ये लहसुन है। ये सबको रखना है मुझे और आलू को बॉयल भी करना है, ठीक है ना। तो प्याज जो है मैं रख दे रही हूँ, इसी के अंदर आलू और प्याज दोनों है। और ये लहसुन है 1 kg। तो मैं आपको बताई थी ना आलू बॉयल करने जा रही हूँ, तो सडनली क्या हुआ, हस्बैंड जी मतलब गोश्त लेके आ गए मटन, तो ये वही बनाने मैं जा रही हूँ। अभी यहाँ पे प्याज जो है मैं अच्छे से इसको फ्राई कर रही हूँ। तो मैं आज कुछ तो अखनी पुलाव जिसको आप बोलते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, वाइट बिरयानी या कुछ भी आप बोले, जो भी बोले सब अलग अलग तरह से बनता है। बिरयानी लेयर वाला हो जाता है अखनी पुलाव, मतलब उसी में चावल वगैरह डाल उल के बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लहसुन कब ख़त्म भी हो गया था तो उसका भी मैं पेस्ट बनाई हूँ, क्योंकि लहसुन आप लोग देखे ही सुबह में तो अभी रखी नहीं थी, कल ही हस्बैंड जी सारा कुछ लेके आए थे तो मैं रखी नहीं रात में। तो और इधर मेरा जो टाइल्स दिख रहा सामने, बहुत सारे मतलब गंदगी चिपकी आपकी दिखती होगी यहाँ पे टाइल्स पे, तो इसको मैं हमेशा क्लीन करती रहती हूँ। खाना बनता है ना तो मतलब 2 दिन से मैं शायद क्लीन नहीं कर रही, इसीलिए ऐसा दिखता होगा आप लोग को। और फिर मैं सारे मसाले इसमें ऐड कर दी हूँ। ऐसे तो अखनी पुलाव में सारे मसाले खड़े डालते हैं तो मैं खड़ा नहीं, पाउडर ही डाल दे रही हूँ। चलेगा, कोई बात नहीं है, चल जाता उतना तो चलता है, टेस्ट आना चाहिए, अच्छा टेस्ट हो बस। और जो खड़े मसाले होंगे वो चावल वावल में जो मैं डालूँगी वो सब बाद में मैं निकाल दूँगी। तो मैं यहाँ पे पाउडर मसाला यूज़ कर रही हूँ बस, इसमें हल्दी पाउडर जो है वो मैं नहीं डालूँगी, बाकी ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ये सारा कुछ साबुत मसाला हम डालते हैं अखनी, जो अखनी बनता है मटन का अखनी बनाते हैं ना वो अखनी बना। तो मैं ऐसे ही खड़ा मसाला नहीं, पाउडर मसाला ही जो भी है वो मैं डाल दे रही हूँ। प्याज वाज, लहसुन वगैरह सारा कुछ, अभी गोश्त डाल देंगे। बस इसमें मैं सारा कुछ डाली हूँ, बस इसमें हल्दी पाउडर मैं नहीं डाली हूँ, ठीक है ना। अब बाकी अपना जो मटन है जितना भी आप उसमें डाल दें, तो 1 kg हमारा मटन है, सारा कुछ डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। बोनलेस है, ज़्यादा इसमें हड्डी वगैरह नहीं है, तो इसमें राइस डाल के बनाना है तो ज़्यादा हड्डी वाला सही नहीं होता है, राइस में डालना है तो ठीक है, तो थोड़ा बहुत होगा ही हड्डी वड्डी उसमें। तो अभी इसको हम ढक्कन लगा के बस इसको इसको बस अच्छे से भून लेंगे, टमाटो, हरी मिर्च ये सब डाल देंगे। और बस चावल को हम भून लेते हैं ऑयल में, मतलब बिरयानी करके चावल को भूनने के बाद तो हम डाल देंगे चावल में। बस हमारी सिंपल सी बिरयानी जो है रेडी हो जाएगी। मैं सिंपल वाला बना रही हूँ, बिल्कुल कम मसाले वाले वाइट बिरयानी जो होता है ये मैं खाऊंगी। तो चलिए गाइस, मैं कैसे बनाती वो आपको बता रही हूँ, और मैं आज बिल्कुल नहीं बोलूँगी, आप लोग बोर हो जाते हैं मेरी आवाज़ से, सच में मुझे पता चला है मैं बकबक करती हूँ तो आप लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए आप लोग सिर्फ देख ली, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा।
तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे मैं गर्म पानी का हॉट वाटर जो होता है बिल्कुल हॉट है देख रहे हैं, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वही यूज़ करना भी चाहिए। नमक चेक करके डाल लें अपने स्वाद अनुसार। और पता है हॉट वाटर डालने का फ़ायदा क्या हुआ, देख रहे हैं हमारे चावल मतलब अभी से ही बॉईल होना शुरू हो गया, तो फटाक से बन भी जाता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। व्हाइट बिरयानी जो लेयर वाला बनता है और ये बिरयानी एक साथ ही पक गया, तो ये पुलाव ही हो गया, बिरयानी जैसा नहीं है कुछ, ये पुलाव जैसा है, तो बहुत इसका टेस्ट अलग लगता है और अच्छा लगता है। देखिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आप लोग को, सबके मतलब खाना बनाने का सबका अंदाज़ अलग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं मैं ये नहीं डाली चाहे वो नहीं डाला जाता, तो ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। आप खाना अपने हिसाब से कुकिंग करें, जैसा आपका दिल करे आप उसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं, कुछ नया अपन कर सकते हैं, तो उसी को कहते हैं टैलेंट, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, खाना कोई मतलब ये कोई रूल नहीं है कि खाना बिल्कुल जो डालना है वैसे ही डालेंगे, आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकते हैं कुकिंग में, तो ही तो नया नया डिश बनता है। तो कैसे बनता है, चेंजेस लाने से ही तो न्यू डिश का इजाद होता है ना कोई करता ही है ना, तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसे हम नहीं बनाते वैसे नहीं बनाते, तो मैं बस वही बताना चाह रही हूँ, आपकी जैसी मर्जी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सैलड रेडी कर रही हूँ और हमारा बिरयानी जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अभी मैं फटाक से मतलब घर में तो अभी कोई नहीं है, ना ही मेरी देवरानी में से दोनों कोई है, वो लोग अपने अपने काम पे हैं, जो इनका जॉब है स्कूल जाती हैं वो अपने घर हैं मायके, और एक जो और देवरानी हैं जो परी की मम्मी है वो तो कल ही गई थी, आप लोग देखे ही हैं। तो और सासू माँ भी नहीं हैं, वो वहीं पे हैं, जो मतलब मेरी ननद का जो बेटा जो मतलब आप लोग को बताई थी मैं, जो मतलब डेथ कर गया, तो वहीं पे हैं अभी, वो वहाँ से आई भी नहीं है। तो ये मैं सामने भिजवा रही हूँ, मतलब सामने मतलब आई मीन्स बगल में ही हम लोग का घर है, तो आसपास पड़ोसी को भी खिला देना चाहिए। खाना कभी भी बांट के खाएं, शेयर करके खाएं, चाहे कुछ भी हो खाना हो या कुछ हो, तो हस्बैंड जी देने गए, अभी यहाँ बच्चे जो है मस्ती कर रहे हैं और हस्बैंड जी कहीं थोड़ी देर के लिए मतलब 10 से 15 मिनट के लिए कहीं काम से भी बाहर गए हैं, ठीक है ना। तो वो आ जाते हैं, उसके बाद से हम लोग खाना वाना खाएँगे। तो ये इसमें इस ब्लॉग में दो दिन की वीडियो मिक्स है गाइज, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये नाइट का क्लिप था, ठीक है ना, मैं डिनर बना रही थी, तो वही आपको डिनर सीधे मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन मैं कोई वीडियो शूट नहीं की थी। ऐसा मैं तैयारी नहीं से दाम से चुक दे दो गौरव में कहीं ना खा ले अभी, रुको रुको, हाँ खाते हैं सदम से चटनी होने के लिए, तो पीछे ले चलिए। चलिए अब हम लोग भी खा लिया जाए, सब लोग बच्चा बच्चा सब लोग हम लोग खा लिए। चलिए पति बाबू कहाँ गए, चलिए खाना खाने। चल रही हूँ मखाना को फ्राई करने, पता है हस्बैंड जी का जीत था कि उनको अभी मखाना खाना, मखाना छोड़ के मेरे पति बाबू जो है ना ये रहे, इनको मखाना 4 दिन से खाने को बोल रहे हैं, इसीलिए वो फ्राई करना पड़ेगा उनको। आज आप पैसा हमें देखा दे क्या, कुछ चीजें पर्सनल होती है ना, ये तो नहीं है जगह रिफाइन चलेगा, चलो कोई बात नहीं। इतना ही करेंगे, ज्यादा टाइम लग जाएगा चूरन को, क्योंकि खाना भी ठंडा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ही फ्राई कर दे रही हूँ मखाना। तो ऐसे खाना चाहिए, बहुत सारे इसमें बहुत बहुत कुछ है, बहुत फायदेमंद है। और आप जो डाइटिंग जो लोग कर रहे हैं तो वो भी मखाना मतलब
दिन में एक बार एक मुट्ठी भर के मखाना ज़रूर खाया करें। तो फटाक से हमारा फ्राई हो गया है, तभी मैं चल रही हूँ, मैं भी खाना खाने, ये सारे लोग खाना खा रहे हैं। तो चलिए आपको फिर सुबह हम मिलते हैं, क्योंकि चलिए अब खाना हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद से स्लीपिंग करेंगे, तो मॉर्निंग में मिलते हैं आपको। तो गुड मॉर्निंग गाइस, ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, और यहाँ पे हमारी जो है चाय बिल्कुल यम्मी सी रेडी हो रही है। ये सिर्फ मैं अपने लिए बना रही, देख सकते हैं छोटा सा ये हमारा पतीला है, तो बहुत ही छोटा है ना, तो ये मैं मतलब मम्मी भेजी थी इसमें कुछ, तो जो भी मम्मी कुछ भेजती है वो मेरे ही पास रह जाता है। तो यहाँ पे चाय हमारा देखिए बिल्कुल यम्मी सा रेडी हो रहा है। मैं चाय को है ना 10 से 15 मिनट पकाती हूँ तो ही चाय पीती हूँ, ठीक है ना, तो इसीलिए हमारी चाय जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए चाय को अभी मैं निकाल लेती हूँ, मैं अकेले ही हूँ, सारे लोग सोए हैं। मॉर्निंग में थोड़ी सी सोची हूँ, चाय पी ली, थोड़ा सा मेरे सर में दर्द है, हेडेक है, तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, जो हमारा हेडेक है वो दूर हो जाएगा। और ठीक है ना, तो थोड़ी सी मैं इसमें सोच रही हूँ कॉफ़ी पाउडर मिला देती हूँ, तो थोड़ी सी मैं कॉफ़ी पाउडर डाल देती हूँ। मैं वैसे भी ठंड में ज़्यादातर कॉफ़ी पीती हूँ, चाय बिल्कुल नहीं पीती, थोड़ा बहुत पी लेती हूँ, अगर चाय पीती भी तो उसमें कॉफ़ी ज़रूर डालूँगी। तो चलिए हम चाय बैठ के आराम से इंजॉय करते हैं अपना, और उसके बाद से जो हमारा काम वाम होगा वो करेंगे। तो चलिए बिस्किट लेके आते हैं, तो ये रही मेरी बिस्किट, तो वो भी, और बिस्किट पता है मैं लेके तो गई, और मतलब रात में जो मतलब जो अगली वीडियो में आप लोग बिस्किट देखे होंगे वो बिस्किट कुछ खास मुझे नहीं लगी। ये मैं हमेशा से बिटानिया का टोस्ट, मुझे ये पसंद आता, बिटानिया वाला जो होता है ना बहुत ही क्रिस्पी होता है, वो कुछ खास पसंद नहीं है मुझे। तो यहाँ पे बिस्किट अभी तो मैं पैकेट खोली भी नहीं हूँ, फिर मुझे याद आया कि रात की रोटी पड़ी हुई है तो वो भी खा लेते हैं, चलिए उसी से खा लेते हैं, बिस्किट रख देते हैं। तो वो सब होने के बाद मैं यहाँ पे देखिए आलू गोभी की सिंपल वाली भुजिया बनाई हूँ, और यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी सिंपल सा, क्योंकि रात में हैवी खाना हो गया था, तो इसलिए लाइट जितना ही मतलब लाइट ब्रेकफास्ट ज़्यादातर लाइट ही होना चाहिए, ठीक है। तो हस्बैंड जी अभी अपने लिए फटाफट से निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रही और मतलब बना रही हूँ, तो अपना थोड़ा बहुत ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले पाएंगे, चाहे कुछ भी मतलब ले लेते हैं थोड़ा, कभी कभी मैं बिजी रहती हूँ तो वो निकाल लेते हैं, ऐसे तो मैं ही देती हूँ, सब कुछ मैं ही करती हूँ, आप लोग तो वीडियो में भी देखते हैं, मतलब कभी ऐसा ज़रूरत पड़ा तो वो ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मेरे लिए पानी भी लेके आए, तो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इतने भी मतलब खड़ूस होता है ना एक पति जो खड़ूस मतलब सब कुछ करो अपनी उंगली पे सारा पे रखने वाला, उस तरह के नहीं है मेरे हस्बैंड जी, बहुत ही स्वीट सी प्यारे से है, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ पे बाबू को घुमा के मतलब बाहर, पापा को कहीं भी जाने नहीं देता, जाने अगर उनको कहीं जाना हो ना तो बाबू को पहले बाहर एक बार बाइक पे घुमा के लेके आएंगे तो ही वो पापा को अपने जाने देता है। तो अभी जा रहे हैं मतलब आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, तो इसीलिए सुमैया थोड़ा सा पापा का अपना वीडियो निकाली है, सुमैया की ये वीडियो। तो अभी मैं फटाक से दोपहर का ये राइस बना ले रही हूँ, बच्चे जो हैं स्कूल से आ गए हैं, कान में सुने कान में आली हम पाके सुना, तो घर पे लाके छोड़ने के बाद वो अभी चले गए हैं, कान में आली बोलेंगे मेरे को बोलिए, तो चलिए देखते हैं और क्या क्या होता है। ओके ओके, घर से आए कितना दिन हो गया, नहीं सुनिया अभी तक, ये पैक का पैक रखा हुआ है कि नीड नहीं पड़े ना खोलने का, और उल्टा हम लोग खोलेंगे पलटो ऐसे इस तरह से लगा पैक करके, वैसे ही आया था वैसे ही रखा हुआ, डब्बा मैं आप लोग को वहाँ दिखाई थी, नहीं आने के टाइम मुझे जरूरत पड़ता है, हट हाँ पता हाँ पता चाकू से जो है डर लगता है बच्चे सब कुछ निकलेगा तेरा जन मेरा हाथ डब्बा मेरा वहाँ से खोलिए करिए, इसमें गिलास था ये क्या है, आंटी में गिलास है, इसमें गिलास निकालो, गिलास निकालो, ये चद्दर का सेट वाला गिलास जो है इसी के अंदर है, गिलास निकालने के लिए खोले, और इसमें क्या है कुछ है कपड़ा बस, हाँ इसके सेफ्टी के लिए देखिए कप कितना प्यारा है, कॉफी लिखा हुआ हार्ड भी है, इसको मैं यहाँ पर रखी टेबल पर रखी, तो टेबल पर रखो और दिखाते हैं क्या मैं लाई हूँ, बाय वन गेट वन, ठीक है ये दो प्लेट मैं लेके आई हूँ, बहुत ही प्यारा लुक है, वाओ देखिए कितना प्यारा, तो हाँ भी तो खोला, एक मामा सब गए थे तो लाए, और कुछ कपड़े पड़े थे ठीक है ना, और ये डोंगा मिक्सिंग बॉल, हाँ खाने वाला थोड़ी मिक्सिंग बॉल है, और ये सबसे प्यारा डब्बा, डब्बा बहुत ही अच्छा है, डब्बा मीशो ऐप से मंगाए थे देख सकते हैं, स्टोरेज बॉक्स
मल्टी यूज स्टोरेज कंटेनर, तो आप किसी भी यूज में ले सकते हैं, स्नैक्स, शुगर, फ्लोर, राइस, नट्स, कुछ भी रख सकते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे मैं भुजिया बनाई थी, तो मतलब भुजिया से तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत कोफ्ता जो है वो मैं बना दे रही हूँ, ठीक है ना। तो इसकी रेसिपी आपके साथ, थोड़ी सी रेसिपी कुछ नहीं है, मतलब सिंपल से मैं बता दे रही हूँ अपने मुंह से ही। और इसमें कोफ्ता को बॉईल करने के टाइम मैं पहले आपको शायद दिखा चुकी हूँ कोफ्ता मैं कैसे बनाती हूँ, ठीक है ना। तो इसमें चना और चना दाल जो होता है वो दाल, और गोश्त जो होता है हमारा, आप जिस चीज़ का आप गोश्त लें, चिकन, बीफ, मटन, जो भी आप खाते हो वो आप गोश्त ले लें, और उसमें चना दाल और खड़ा लहसुन, खड़ा अदरक जो होता है, और खड़े मसाले, गरम में खड़े गरम मसाले डालें, प्याज डाल दें, सारा कुछ खड़ा ही डाल दें वैसे ही, और बॉईल कर दें। बस इसको अच्छे से कूट पीट लें, या मिक्सी में पीसे, या सिलबट्टे पे पीसे, या आप जैसे भी पीसे, या फिर आप इतना गला दें कि वो खुद ब खुद मैसर से मैश कर दें, तो उससे भी हो जाता है। उसके बाद से इसको देखिए, कूटने पीटने के बाद इसमें मैं 2 अंडे डाली हूँ, हमारा जो ये कोफ्ता मैं बना रही हूँ इसमें 2 अंडे डाल के इसको मिक्स कर मतलब बना ली हूँ। और यहाँ पे साइड में मैं प्याज भर रही हूँ इसके अंदर, देख रहे हैं ना, प्याज और मिर्ची है। आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, चीज़ बॉल जो बनता है, चीज़ डाल दें तो इससे भी, मतलब आप जो भी चीज़ की फिलिंग उसमें डालना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। और प्याज, मिर्ची, नमक और नींबू मैं डाली हूँ, तो वही मैं उसके अंदर, मतलब समझिए सैलड बना के उसके अंदर भर दी हूँ। यहाँ पे हमारे ससुराल में ऐसा ये बहुत, मतलब इन लोग को बहुत पसंद आता है हमारे घर में यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा भी लगता है, आप एक बार ट्राई करिएगा। और फटाक से मैं इसको फ्राई कर ले रही हूँ, इसमें 2 अंडे मैं डाली हूँ, बिल्कुल देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऑयल में कुछ भी नहीं निकल रहा। वैसे तो कोफ्ता बहुत सारे लोग, मैं जब यहाँ पे आई थी ना शादी करके, तो मतलब अंडे कोई इसमें यूज़ नहीं करता था, तो जब से सारे लोग अंडे डालते हैं तो किसी का कोफ्ता टूटता नहीं है। तो अंडा ज़रूर डालें, अगर अंडा नहीं है तो उसकी जगह कुछ और डालें, जिससे आपका बैटर जो है, मतलब बैटर बता रही हूँ, जिससे वो टूटे ना। बस अंडा डालने से ही पैदा होता है, टूटता फूटता नहीं है, कुछ भी नहीं निकलता ऑयल में, टूट फूट जाता है, फिर एकदम बिल्कुल लग रहा है गुलाब जामुन है। थोड़ा सा और कलर कर देंगे गुलाब जामुन, बस इसको चाशनी बना कर डाल देते हैं, गुलाब जामुन हमारा रेडी है। दादी को दिए ये बना रहे हैं, बाकी तो आप लोग अब खा लीजिएगा। कोफ्ता फ्राई करने में बस पेन हो जाता है। मेरी एक आदत हमेशा से यही रही है कि मैं जब कभी भी कुछ भी बनाती हूँ, सबसे पहले मतलब मम्मी को नीचे, सासू माँ को भेजती हूँ, तभी बच्चे, बड़े, मैं, कोई भी हम लोग खाते हैं, ठीक है ना। तो मेरी हमेशा से यही एक आदत है, या तो पहले बच्चे लोग को खाना खिलाएं या सबसे बड़े लोग को खाना खिलाएं। तो देखिए हमारा जो है, अच्छे से मैं खोल के आपको दिखा रही हूँ, तो गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी लगता है, आप ऐसे बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बना भी था, हस्बैंड जी को बहुत मतलब पसंद आता, बच्चे लोग को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता, देखिए वो लोग तो ऐसे ही खाने लगते हैं। तो चलिए वीडियो को हम एंड करते हैं। हटो सामने से, देखिए कौन सा दिखाना, मामा को लाने के लिए दो ना ली, दो ना मम्मी को दो फाड़ते हैं, फाड़िए, फाड़ गया, ली को दे दो, तुम लोग सब लोग खा लो। अभी टाइम जो इतना हो गया है, अभी मैं रिकॉर्डिंग करके उठ रही हूँ, ठीक है ना। तो अभी मैं चलती हूँ किचन में कुकिंग करने, बच्चे लोग को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वाला भूख लगा, वैसे तो मैं जैम रोटी दे दी थी, तो जैम रोटी खा के सर से ट्यूशन पढ़ के, अभी ट्यूशन का अरबी का जो ट्यूशन होता है वो लेके आ रहे हैं। जीरा वाला बिस्कुट मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। तो गाइस हमारा डिनर उनर बन गया, हम लोग खा पी लिए हैं, तो हस्बैंड जी मतलब अभी आए हैं, तो उनको खाना वाना खिलाते हैं। तो वीडियो मैं सोच रही हूँ अब एंड कर दे रही हूँ, और बाकी जो कुछ सामान जो घर पे नहीं था वो सब लेके थोड़ा बहुत आए हैं। तो फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और ब्लॉग कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।